चला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों हम आज आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत बताएंगे। आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे किस देश से भारत सरकार ने क्या क्या लिया। तो इसके अंतर्गत हम आपको सबसे पहले बताएंगे भारत के आज़ादी के समय भारत में टोटल 395 अनुच्छेद से, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत सरकार ने अपनाया। इसके अंतर्गत इस शासन से भारत ने न्यायपालिका, कैद, लोक सेवा आयोग लिया। कैद 148 अनुच्छेद के अंतर्गत है। दूसरा हम बताएंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत ने जितने भी संसदीय व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन मतलब देश में कैसे शासन चलाया जाए, उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब हमारे देश में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तीसरा हम आपको बताते हैं अमेरिका। अमेरिका से भारत ने मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से भारत ने संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, उसके बाद जो शक्तियां बच गई वो अवशिष्ट शक्तियां उसको केंद्र सरकार को दे दिया गया। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से आप लोग जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, जो है नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह भारत सरकार ने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन, जैसा कि आप जानते हैं दक्षिणी अफ्रीका का एक प्लेयर है एबी डिविलियर्स, जो कि 360 अंश पर घूम जाता है, उसी से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से भारत ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें तीन शब्द बहुत ही पॉपुलर हुए थे, जो कि है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और उसी से भारत सरकार ने गणतंत्र लिया है। गणतंत्र का तात्पर्य यह है कि कोई राजा का लड़का दोबारा शासन नहीं करेगा, इसका यह है कि यहाँ चुनाव होगा, उसके बाद जो चुनाव जीतेगा वो यहाँ पर राज करेगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है और समान मूल अधिकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं जर्मनी का ही हिटलर था जो कि बहुत खुरापाती था, वो उसी से आसानी से याद कर सकते हैं कि जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया। देश के आज़ादी के समय इन 9 स्रोतों को लिया गया था। उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ 1976 में 42वां, जिसमें रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो बताया गया है इसको तैयार करिए। थैंक्स।